सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर करण को किया पुलिस ने गिरफ्तार, पत्नी पर है मारपीट का आरोप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक्टर करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस समय ये पुलिस की हिरासत में है। इनके खिलाफ पत्नी निशा रावल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार निशा रावल ने करण के खिलाफ सोमवार 31 मई की रात गोरेगांव इलाके में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। निशा रावल ने करण मेहरा पर मारपीट का आरोप लगाया है और मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत करण मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस थाने लाकर इनसे पूछताछ की गई है। वहीं आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लंबे समय से करण मेहरा और निशा रावल के बीच तनाव की खबरें आ रही थी। मीडिया में आई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था इनके रिश्ते में दरार आ गई है। हालांकि कुछ दिन पहले ही करण ने इन खबरों का खंडन किया था और कहा था कि उनके रिश्ते में सब सही चल रहा है। करण ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो बीते दिनों पंजाबी प्रोजेक्ट को लेकर शूटिंग में बिजी थे, बीते दो हफ्ते बहुत तनावपूर्ण थे। उन्होंने बताया कि वो शूटिंग कर रहे थे, इस दौरान उन्हें शरीर में दर्द हुआ और वो बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे। इन्होंने कहा कि उन्हें अपने शरीर में कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे थे, जिसके कारण वो मुंबई लौट आए और उन्होंने टेस्ट कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव ही रही, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। करण के अनुसार इस दौरान उनकी पत्नी ने उनका बेहद ही ख्याल रखा था। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था, मेरी पत्नी निशा मेरा पूरा ख्याल रखा है, मेरी पत्नी निशा ने मेरा पूरा ख्याल रखा था। दोनों की मुलाकात हंसते हंसते सेट पर हुई थी, जिसके बाद करण मेहरा और निशा रावल ने करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेटिंग किया था। साल 2012 में उन्होंने शादी रचाई थी। कई टीवी सीरियलों में काम कर चुके करण मेहरा को असली पहचान यह रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नैतिक सिंघानिया के रोल से मिली थी।